This is the, for now, this is the maximum articulation, maybe the stance. Look at the front and the rear axle. Aur gaadi se. वेलकम बैक गाइस, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम फिर से वापस आ चुके हैं, वीडियो मैंने डालनी है आज या कल तक। तो आज ये स्पेशल डे है क्योंकि ऑफ रोड भी कर लिया है। अभी ऑफ रोड पे कोई खास नहीं किया क्योंकि एयर शॉक्स के वाल्व्स नहीं आए थे, तो अभी भी एयर शॉक्स बैठे हैं हमारे यहाँ पे। पोस्ट बहुत ढीला है, अभी तक पहुँचा नहीं हमारे पास सामान। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं इसका आर्टिकुलेशन टेस्ट करने। छोटी सी गर्मी बहुत ज़्यादा, 47 डिग्री सेल्सियस, सुबह से घर में बैठे हुए हैं। अभी लगा कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, अभी निकलते हैं। उसको जाते हैं यार्ड में, लेके जाते हैं अपने, उधर जाके इसके आर्टिकुलेशन टेस्ट करते हैं। आर्टिकुलेशन टेस्ट करने के बाद फिर आपको दिखाएंगे और प्रॉपर मेजरमेंट्स देंगे ग्राउंड से, डिस्क की क्या क्लियरेंस है और हाँ ये सब। और प्रॉपर आर्टिकुलेशन टेस्ट होगा कि भाई लिटरली किधर तक हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं गाड़ी, एक प्रॉपर बगी बिल्ड कैसा होता है। फ्रंट से नहीं तो रेयर से एटलीस्ट हम आर्टिकुलेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, बुक कर दिया हमने, देखो। तो इसके बाद हम निकलते हैं सीधा। अच्छे से ये हुक करके एक्स्ट्रा चेन लगा दी है, ठीक है, ये लाइट्स के लिए हमने ये इसका प्लग जोड़ दिया हुआ। ये चेन क्या कहते हैं ना, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। और ये देखो, ये भी हमने कनेक्ट किया हुआ, ये चेन फ्यूज में अगर हुक टूट जाती है किसी कारण तो ये यहाँ से खिंच जाएगा और ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है, ऑटोमेटिकली ब्रेक्स ऑन हो जाएंगे। और ये हमारा भाई है, तो ये मेरे साथ मौजू करने के लिए ऐसे गॉगल पहन के हैं। चलो भाई, कैमरा मैन तो दिखाया नहीं आपको मैंने, मानिक अभी इंडिया गया था बेचारा, तो वापस आया। तो स्ट्रैप डीली रह गई थी पीछे की, तो वो अभी कस रहे हैं कि रास्ते में ना कहीं गाड़ी निकल जाए। टाइट है बस, ठीक है। जो भाई गाड़ी रेडी है, अभी से जाएगा इधर से ही। वीडियो में आएगा। चलो अब चलो रोड रोलर ही बाहर तक ही जाए उधर। यार्ड में हम पहुंच चुके हैं और इधर जाके हम करते हैं गाड़ी का आर्टिकुलेशन टेस्ट। गर्मी अभी भी बहुत है, शाम की बज गए 6:30, तब भी स्टिल आई थिंक 30 something degree Celsius है। बट हम यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी, उतारते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फोकलिफ्ट के साथ करेंगे आर्टिकुलेशन टेस्ट पर। चलो
अभी लेके आते हैं फोकलिफ्ट, इसको डालता है गियर में भी नहीं रुकती ना, प्रॉब्लम है। इसके नीचे पीछे को रखते हैं, इसकी हैंड ब्रेक नहीं है ऑब्वियसली, तो हैंड ब्रेक रखते हैं नीचे, और हैंड ब्रेक कह रहा हूँ कोई पत्थर वगैरह रखते हैं कुछ इसका, है ना, कि गाड़ी रुके उसके बाद हम लेके आते हैं। और बाकी छोड़ो, मेरे को एक चीज़ आपको सुनाई नहीं, इसका हॉर्न बड़ा प्यारा है, चल। इन्होंने क्या है कि एक बीप और एक पैन कट्ठे लगाया हुआ है तो अच्छा लगता है। चलो अभी लेके आते हैं फोकलिफ्ट, फिर करते हैं इसका आर्टिकुलेशन टेस्ट। जी ओरे वाह, लगता है मैं चुका मेरे किस तरह आओ तो इधर बैठो मेरे। हाँ जी, हाँ चक्की लगता है। चलो भाई अब लेके चलते हैं। हेलो गाइस, हम चलते हैं पैदल। अच्छा तो गाइस अभी करते हैं फोकलिफ्ट, क्योंकि टायर चौड़ा था, इसको थोड़ा सा ना इसको कहते हैं थाइंस को करते हैं चौड़ा, कि टायर साइड से नीचे आता है। देखते हैं पहले एक लाएंगे फोकलिफ्ट, फिर दूसरी भी लेके आते हैं। गाड़ी के टायर करते हैं सीधा, अभी भी टेढ़ा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो दिमाग चल गया कि बंद कर दी नहीं, बस शटर के पार जानी थी गाड़ी। कहाँ दोनों पैंट के ऊपर, पैंट के भी वाइट शर्ट आया हूँ, गंदी होगी, गालियाँ पड़ेंगी घर से। बच गए, चलो इसको पहले मैं न्यूट्रल करूँ, अंदर जाओगे ना सची। अगर मेरे को वो फ्रंट पे कंफर्टेबल हुआ कि भाई एयर शॉक्स में एयर नहीं उसके बगैर, तो फिर फ्रंट का भी करेंगे। अब प्रॉब्लम आगे जाने दो थोड़ा सा, ठीक है। सनी इधर ये तो ऊपर चढ़ी, मैं तेन नाल जाऊंगा कि किन्ना करना है। अभी भाई मेरा चढ़ गया, मैंने हैंड ब्रेक लगा दे, ऐसी लोड ही नहीं, हैंड ब्रेक लगा दे खाली, ऊपर चक्की चल, जो मैं कहूँगा उधर रुकी, जान दे वेट। नहीं हो रहा, कोई गल नहीं, वो वाटर ही है, चलो रिजर्वायर दे, चलो लिफ्ट, वेट। सो गाइस अभी देखो, अभी भी काफ़ी हद तक गाड़ी उठी हुई है, कितना हो यार, मेजरिंग टेप होगी कि नहीं सनी अंदर पाई, ट्रेसी को होंगी ना, मेजरिंग टेप लाएंगे, उससे मेजर भी करेंगे, अभी और भी आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है, तो अभी बस जुड़ रहना। अभी देखो ये पूरा कवर गाड़ी आगे से देखो, अभी वेट करना, अभी और करेंगे। ये टायर देखो सनी, लिफ्ट कर, और कर, वेट। और जान दे, वेट। गाइस ये नहीं सोचना कि ये टायर हवा में हो गया, अभी भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, जाने दे, वेट। गाइस अभी भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है टायर, और ये टायर बोनी ही इज 6'1", थोड़ा नीचे जाए, चलो ये तो लंबा है ना, इससे अंदाजा नहीं होगा, बोनी मैं जाता हूँ नीचे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख, मैं देखो कहाँ पे पहुंचा हूँ।
ठीक है, तो अभी थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, अगर और जाता ऊपर। चलो सनी, बस दैट्स इट। ये अभी आर्टिकुलेशन आई थिंक मैक्स पे है, पर पूरी भी नहीं होगी क्योंकि फ्रंट, देखो ना फ्रंट शॉक्स पे भी डिपेंड करता है ना, तो पर यार इससे ज्यादा क्या ही होगा मेरे को बताओ। अब गाड़ी भी, मैं अगर बीच में बैठा था ना, मैंने लगभग थोड़ा ही टेढ़ा होना था, सीधा ही होना था। ये देखो सनी, बंद कर दे, बाहर आ जा। वाओ सनी, की कहना चाहेगा इस आर्टिकुलेशन बारे, इस आर्टिकुलेशन बारे की कहना चाहेगा? टायर देखो भाई How much is it? 6 feet. Okay. Very oily. Oil, diesel. Diesel. Oh, no, breather. चलो, अभी तक ये दोनों टायर नीचे हैं, ठीक है, फुल आर्टिकुलेशन के साथ। दिस इज द, फॉर नाउ दिस इज द मैक्सिमम आर्टिकुलेशन, मे बी आफ्टर वी चेंज द वाल्व्स ऑन दीज एयर शॉक्स, कि उसके बाद उसके बाद बताएंगे। अभी एक चीज और ट्राई करने, तो एक चीज देखो, इंजन का कस्टम सम है, और ये इंजन मैं आपको बताऊँ, इतने छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इंजन है ना, मतलब कोई जवाब नहीं इस बिल्ड का यार, कोई जवाब नहीं है, देयर इज नो अदर बिल्ड लाइक दिस। और इसका मैं क्या ही बोलूं, देखो यार क्या चीज है, गाड़ी देखो ये दोनों, वाओ 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 वाओ। टायर देखो कैसे इस टाइम, मतलब कि क्योंकि बहुत लो पीएसआई प्रेशर के साथ होता है, तो क्या बना हुआ है, ठीक है गाइस। तो अभी क्या करते हैं इसको, हम एक मैंने रील बनानी है, रील बनाने के बाद फिर आपके साथ मैं बात करता हूँ। तो गाइस ये रही हमारी सेकंड फोकलिफ्ट, जिससे हम ट्राई करेंगे, मैं श्योर नहीं हूँ, तो ट्राई करेंगे कि फ्रंट एक्सल भी हम लिफ्ट करें, और उसका आर्टिकुलेशन फ्रंट का रेयर उठा हुआ ऑलरेडी, फिर आर्टिकुलेशन टेस्ट करें। चलो गाइस आ जाए। पता नहीं है कि भाई इट्स गोना बी अ सक्सेस और नॉट, या नाव की गाड़ी पुट्टी करके बैठा दी बैठ जाए। वो थोड़ा थले करी सनी, सनी थले कर, और थले कर, चैसी के साथ हमारी फॉग लिफ्ट अड़ रही है, इसलिए ना ऊपर जा रही है ना नीचे। अभी ट्राई करेंगे इसको सेंटर से लिफ्ट करेंगे। हो गया? थोड़ी उधर मूव करो ना। नहीं नहीं नहीं, वेट उधर, नहीं वेट 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 उधर, हो गया हो गया हो गया, उतर गई उतर गई, चल ठीक है। ओए ओए, राम राम राम, रुक रुक।
तो गाइस वहां पे हमारी फॉग लिफ्ट अट गई थी। चल तले कर, तले कर। तो गाइस अभी अभी हम अगर हम ट्राई करेंगे ना, हम दोनों इकट्ठे जाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे। सनी अपनी फॉग लिफ्ट थोड़ी पीछे कर ले। मेरा फ्रेंड साइड लिफ्ट करो। वेट 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 रुको रुको। जान दो। वेट 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 ऐसे ना करिए, ऐसे ना करिए। एयर चो गया। थोड़ी थोड़ी जी लिफ्ट करी। वेट कर। तो प्रॉब्लम क्या है अभी? तो मैंने देखो फ्रंट भी आर्टिकुलेट किया हुआ है और फ्रंट भी किया हुआ, रेयर भी किया हुआ और फ्रंट भी किया हुआ। बेसिकली अभी बहुत, ये देखो बहुत एक्सट्रीम है ये भी, बट मेरे को जो लगता है एयर शॉफ की वजह से भी इस टाइम थोड़ी सी लिमिट कर रही है ना आर्टिकुलेशन, समझ रहे हो? पर हाँ, जब आगे वाला भी पूरा आर्टिकुलेट हुआ हो और पीछे वाला भी पूरा हुआ हो तो आई थिंक थोड़ी लिमिटेशंस तो होती हैं, ठीक है। बट इट्स लुक एट द स्टैंड, लुक एट द फ्रंट एंड द रियर एक्सल। और गाड़ी सीधी है, गाड़ी बिल्कुल सीधी, ठीक है। चलो एनीवेज इसको उतारते हैं अभी नीचे और एक टेस्ट और करना है, उसके बाद फिर चलते हैं। यहाँ से लेके हम चेक करेंगे बेसिकली यहाँ से टायर के टिप से लेके ग्राउंड तक कितना है। और ये कीप इन माइंड कि ये टायर भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं, 42s हैं। तो ये देखो 1.4, तो ये बना 1.4 मीटर इसकी यहाँ से आर्टिकुलेशन है, ठीक है। ये बहुत स्पेशल चीज़ है। और एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आया हूँ। अभी तो गाड़ी बहुत गंदी हुई है। पहली बात तो ये प्रॉपर शाफ्ट्स नहीं है, ये सीवी एक्सेस से हमें ये बनाई हुई है शाफ्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग पतली है और आर्टिकुलेशन में पूरी हेल्प करती है। दूसरी चीज ये रेयर डिस्कनेक्ट, आप पिछला अपना ड्राइव शाफ्ट पिछला एक्सल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये उसके लिए। और ये हमारा ऑब्वियसली रेडिएटर का ये वाला रेडिएटर का फैन है। अब ये डीजल कूलर है, ठीक है, डीजल कूलर रेडिएटर के इलेक्ट्रिक फैन। और ये तो मेजरमेंट देख ली 1.4 मीटर, ठीक है। और हम अब इसके बाद करेंगे इसकी डिफ, ग्राउंड पे डिफ टू द ग्राउंड कितनी आर्टिकुलेशन है। सनी अभी एक तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी डिफ का मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना है। तो अभी इसमें लगभग इस हमारे 42s में 6 PSI एयर प्रेशर है, तो ये भी बैठे होंगे थोड़े हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं। और ये रहा इसकी मेजरमेंट, लगभग 4.9, ये 4.7 के करीब है। अब ये हो गया तो कितनी ज़्यादा क्लियरेंस है डिफ से ग्राउंड की। अब एक नॉर्मल थार की ना इससे आधी से भी कम होती है जो हमारी इंडिया में थार आती है। तो ये आप यहाँ से क्लियरेंस लगा लो कितनी है। और बस गुलाब भाई बड़ी वाली फॉग लिफ्ट लेके आ रहे हैं। अब देखो कहते हैं इन छोटी मोगलिस का पापा, ठीक है, ये बहुत बड़ी।
फोकलिफ्ट से उठाया है काफी हद तक, पिछले अगले में बिल्कुल एयर नहीं है, तो उससे क्या होगा, ये आपका आपके पिछले टायर देखो, अभी पिछले टायर में एयर है तो ये इसके नीचे नहीं जाने देते ना अचानक ही, मतलब कि ये अच्छा ये इसकी वजह से हो रहा है। मैं सोचूं नीचे क्यों नहीं जा रही यार, ये तो जानी चाहिए। विंच, अब विंच करते हैं इसकी, ये कर ऑन, ये रेयर विंच से अब देखना। अरे एक सेकंड नहीं देना है मान, तो वीडियो बनाई मैं तक दिखाना। अब देखो गाइस, अभी ये यहाँ से विंच टाइट हुई हुई है ना, तो उसकी वजह से भी आर्टिकुलेशन लिमिट हो रही होगी, मेरे को पता ही नहीं था। तो अब देखो मैं इसको रिलीज करूँगा, मेरे को ये कि मेरी न्यूट्रल नहीं है ना अभी। उसकी वजह से भी आर्टिकुलेशन क्या पता लिमिट कर रही है उस टाइम, क्योंकि हमने इसका नोटिस ही नहीं किया, मैंने दिमाग में नहीं रहा था इसका। तो अभी मैं इसको और लिफ्ट करता हूँ, तो वीडियो बना, ये फोटो शूट चल रहा है, मैं अभी और लिफ्ट करता हूँ। ये अभी भी जाए, अभी भी लूज है, ठीक है। ओ, मैंने ज़्यादा वो कर दिया। तो अभी बेसिकली हमने क्या करनी है, इनमें हवा भरनी है, क्योंकि अभी ऐसे ना हवा भरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, इतना प्रेशर हमारे पास अवेलेबल नहीं है एयर का। तो हमने क्या करना है कि भाई इसको हमने इसको स्ट्रेच किया है ना, अब इसको अभी ये फ्री हो गया ना, तो अभी इसके अंदर एयर भरेंगे, वो लेके आ रहा हमारा छोटा सा एयर कंप्रेसर जो गाड़ी में हवा भरता हुआ, एयर भर के इसमें देखते हैं हमें कितनी एयर में तो है। पर ये है कि देखो खाली एयर में